डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ प्रवीन कुमार अग्रवाल फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वेलकम्स यू इन माई टुडेज लेक्चर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन दट टॉपिक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पॉपुलरली नोन एज से बी यानी कि आज के लेक्चर में हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्या मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी का और इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है क्या फंक्शंस हैं इसके क्या पावर्स हैं इस तरह से इसके बारे में हम एक डिटेल्ड स्टडी को फोकस करेंगे तो पहले हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मेन पर्पज क्या था इसको फॉर्म करने के पीछे सेवी इज आटे रेगुलेटरी बॉडी इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट द इंडियन कैपिटल मार्केट्स इट मॉनिटर्स एंड रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स बाय एनफोर्सिंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था इसको एक स्टेचुटरी रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया था जिसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इंडियन कैपिटल मार्केट को प्रॉपरली रेगुलेट करने की इस पर्टिकुलर परपज़ को कंप्लीट करने के लिए सेवी को एस्टेब्लिश किया गया एक रेगुलेटरी और स्टैचरी बॉडी के तौर पर क्या करती है ये ये सिक्योरिटी मार्केट को प्रॉपरली मॉनिटर करती है इसको रेगुलेट करती है और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर प्रोटेक्ट करती है और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी एनफोर्स करती है जिसे उन सारी बॉडीज या उन सारे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना होता है जो इंडियन कैपिटल मार्केट से अटैच होते हैं हर किसी के लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर्म करती है उन्हें प्रॉपर्ली एनफोर्स करती है जिसके बेसिस पर ये उस पर्टिकुलर मार्केट में यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करती है यह रहती है इसकी मेन फंक्शनिंग अगर मैं इसके फाउंडेशन की बात करूं तो सेबी को अप्रैल ट्वेल्थ 1992 नाइन्टी टू में फाउंड किया गया था अंडर द सेबी एक्ट नाइनटीन नाइन्टी टू इसका हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया में है और इसके रीजनल ऑफिसज हैं न्यू दिल्ली में चेन्नई में कोलकाता में एंड अहमदाबाद में और इसके साथ साथ इन डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग प्लेसेस में इसके लोकल रीजनल ऑफिस भी अवेलेबल हैं इन डिफरेंट प्रोमिनेंट सिटीज़ इन इंडिया सारे प्रोमोनेट सिटीज हैं इंडिया में जहाँ इसके लोकल रीजनल ऑफिस भी वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन मेनलीडक्वार्टर है वो मुंबई में है इंडिया में और जो इसके रीजनल है वो न्यू दिल्ली चेन्नई कोलकाता और अहमदाबाद में है ऑब्जेक्टिव क्या है सेवी का द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेवी इज टू एंश्योर दैट द इंडियन कैपिटल मार्केट वर्क इन अस्टमेटिक मैनर एंड प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद अ ट्रांसपेरेंट इनवायरमेंट फॉर देर इन्वेस्टमेंट टू पुट इट सिंपली द प्राइमरी रीजन फॉर सेटिंग अप सेवी वॉज टू प्रिवेंट मेल प्रैक्टिस इन द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स यानी कि सेवी को एस्टेब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव था जिससे कि जो इंडियन कैपिटल मार्केट है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में वर्कआउट कर सके और इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स को एक ऐसा ट्रांसपेरेंट एन्वायरमेंट दिया जाए जहां वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को कंप्लीटली सेफ करें या सेफ फील करें एक ऐसा ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंट प्रोवाइड करना ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है कोई धोखाधड़ी ना हो किसी तरीके की इन्वेस्टर्स के पैसे को कोई भी या उसके अमाउंट को कोई भी बिना वजह डिस्ट्रॉय ना करें उसके इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जा सके उसके इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जा सके यानी कि जो उसका प्राइमरी रीजन है वो कैपिटल मार्केट में मेल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना है जो धोखाधड़ी के चांसेस बन सकते हैं जो चीटिंग के चांसेस बन सकते हैं कंपनीज के द्वारा इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर्टिकुलर मेल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना इंडियन कैपिटल मार्केट में ये इसका मेन प्राइमरी रीजन था और इसके साथ साथ कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट को प्रमोट करना तो इन पर्टिकुलर प्राइमरी रीजन को फोकस करते हुए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था ऑन अप्रैल ट्वेल्व नाइनटीन क्योंकि एक रेगुलेटिंग बॉडी मार्केट में काम कर रही है तो इसके बेसिस पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट करने का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को कंप्लीट एक कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई भी चीटिंग का एन्वामेंट क्रिएट नहीं होगा क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम कर रखे हैं सीवी ने हर किसी को उसे फॉलो करना होता है अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती भी है तो इसके अगेंस्ट में वो सेवी में अपील भी कर सकता है और उसके बेसिस पर उसके इंटरेस्ट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट भी किया जाता है तो इसी कॉन्फ्रेंस की वजह से इन्वेस्टर्स प्रॉपरली कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में हेजिटेट नहीं करते हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाते हैं इससे क्या होता है जो कैपिटल मार्केट है उसका डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है यानी कि ज्यादा से ज्यादा पर्सन कैपिटल मार्केट में अपने अमाउंट को प्रॉपरली इन्वेस्ट भी करते हैं और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेबी को फ़ॉर्म किया गया था अंडर द सेबी एक्ट 1992 ऑन अप्रैल 12 1992 ओके okay, तो ये तो बात हो गई अबाउट द सेबी अब हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चरल सेटअप ऑफ सेबी इंडिया इसका स्ट्रक्चरल सेटअप क्या है सेबी इंडिया सिंगल की जाने वाली बॉडी नहीं है बल्कि इसका एक कम्प्लीट कार होता है ऐसा नहीं की दो या तीन पर्सन मिलकर या एक ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर छोटा सा ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर से भी के पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ऐसा नहीं है बल्कि इसका एक कंप्लीट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं सीनियर मैनेजमेंट भी अवेलेबल होता है डिपार्टमेंट्स बने होते हैं बहुत सारे और उन डिपार्टमेंट के हेड्स को भी अपॉइंट किया जाता है और इसी तरीके से सेवरल डिपार्टमेंट्स इसके अंदर एड किए गए हैं जिसके बेसिस पर एक प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इसका डेवलप किया गया है और इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही ये अपनी फंक्शनिंग को प्रॉपर वे में फुलफिल कर सकती है इट मीन्स दैट एज एनी ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग इट्स कॉपरेट स्ट्रक्चर इन द सेम वे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज हैविंग इट्स प्रॉपरली कॉपरेट स्ट्रक्चर यानी कि जैसे कि एक अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो लार्ज लेवल पर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही होती है वो एक प्रॉपरली अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रखती है जिसके बेसिस पर वो अपने कंप्लीट फंक्शन को परफॉर्म करती है इसी तरीके से क्योंकि से भी कम्पलीट इंडियन लेवल पर ऑपरेट कर रही होती है इंडियन कैपिटल मार्केट को प्रॉपरली उसको रेगुलेट करना होता है और क्योंकि इंडिया के अंदर अलॉट्स ऑफ कंपनीज आर देयर अलाट्स ऑफ इन्वेस्टर्स आर देयर अलॉट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर देयर और उसको इन सब को एक साथ कंट्रोल करना होता है एक साथ रेगुलेट करना होता है क्योंकि लार्ज एरिया इसको द्वारा कवर किया जाता है इसी वजह से इसका भी एक अपना एक प्रॉपर कॉपरेट स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है क्योंकि बिना कॉपरेट स्ट्रक्चर को डेवलप किए हुए ये अपने फंक्शंस को प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर सकती है इट हैज़ अ वेरी लार्ज कॉपरेट स्ट्रक्चर जिसको यहाँ लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं है तो इसका मैं एक आपसे प्रिसाइज स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा इट कॉम्प्राइजेस ऑफ ओवर ट्वेंटी डिपार्टमेंट्स बीस से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स यहाँ काम कर रहे होते हैं जिनको उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हेड्स के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है और उनके साथ में एक प्रॉपर हिरारकी को भी एड किया गया है जिससे कि वो अपने डिपार्टमेंट को प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट कर सकें तो एक प्रॉपर हिरारकी डेवलप की गई है और बीस से ज़्यादा डिपार्टमेंट सेवी के कॉपरेटिव स्ट्रक्चर में वर्क कर रहे हैं सेबी का जो हेरिकल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नाइन डेजिग्नेटेड डेजिनेटेड ऑफिसर्स को फॉलो करता है ये कौन कौन से नाइन डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स है द फर्स्ट वन इज द चेयरमैन दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉमिनेटेड बाय द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट तो पहला तो चेयरमैन रहता है जिसको यूनियन इंडियन यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है बी कैटेगरी में टू मेंबर्स बिलोंगिंग टू द स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से बिलोंग करने वाले दो को इन में इंक्लूड किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई एक पर्टिकुलर पर्सन होता है इसके अंदर जो मेंबर होता है इसका वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है आरबीआई से बिलोंग करता है जो इंडिया की सेंट्रल बैंक है अपेक्स बैंक है जो इंडिया की नेक्स्ट कैटेगरी में जो पांच मेंबर्स बचे बाकी के दीज आर नॉमिनेटेड बाई नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको भी यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है तो इस तरीके से ये नाइन परसेंस डेजिनेटेड ऑफिसर्स होते हैं जो सेबी के हिरल स्ट्रक्चर में अपना रोल प्ले करते हैं इसके साथ साथ यहां मैंने कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को हाईलाइट किया है जो सेबी में परली वर्किंग को फॉलो करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है इसके अंडर में द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट फर्स्ट वन सेकेंड वन इज द फॉरिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड कस्टोडियंस डिपार्टमेंट रहता है इसके अंदर थर्ड डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नेक्स्ट वन इज द कॉमोलिटी एंड डेरिवेटिव मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जैसे फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड कस्टोडियन डिपार्टमेंट है इस तरह से भी और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है इसके साथ साथ द क्रिशियल डिपार्टमेंट टेक केयर ऑफ लीगल फाइनेंशियल एंड एनफोर्समेंट रिलेटेड अफेयर्स यानी कि सेबी के अंदर डिफरेंट टाइप के लीगल फाइनेंशियल या एनफोर्समेंट से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स होते हैं इनको मैनेज करने के लिए और भी क्रिशियल डिपार्टमेंट्स को फॉर्म किया जाता है तो इस तरीके से इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के बेसिस पर सेबी अपनी वर्किंग को कंप्लीट वे में परफॉर्म करती है इन डिपार्टमेंट्स में इनके डिपार्टमेंटल हेड्स को अपॉइंट किया जाता है और इसके साथ साथ इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स की एक प्रॉपर हायरार्की भी क्रिएट की जाती है और इनके अंडर में डिफरेंट एम्प्लॉइज वर्कआउट कर रहे होते हैं और वो क्या करते हैं वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ओके